मुख्यमंत्री आवास से इस वक्त की बड़ी खबर, नए जिलों को लेकर हुई आज चर्चा। मंत्री राजेंद्र यादव ने कोटपुतली का मुद्दा उठाया। इस बीच महादेव खंडेला ने रखा अपना पक्ष, अपने विधानसभा क्षेत्र को दूसरे जिले में नहीं रखने के लिए कहा गया। वहीं राजेंद्र यादव कोटपुतली को जिला बनाने पर अड़े रहे, कांग्रेस छोड़ने तक की धमकी दे रखी है यादव ने। वहीं संदीप यादव ने भिवाड़ी को जिला बनाने की पैरवी कर दी। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा में है कि कांग्रेस ने जिले कभी नहीं बनाए, तो मंत्रियों विधायकों ने कहा कि इस बार बना दो जिले। प्रदेश में नए जिले बनाने का एक बड़ा मुद्दा है। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ चुके। नरेश, अगर हम गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान को कंपेयर करें तो क्षेत्रफल में काफी बड़ा है, पॉपुलेशन में भी लगभग बराबर, और यह सच है कि वहां राजस्थान के मुकाबले जिलों की संख्या ज्यादा है। क्या इस लिहाज से माने कि मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल के इस अंतिम पूर्ण बजट में जिलों की सौगात मिलेगी, विकास को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, देखिए, नए जिले बनाने की मांग है वो लंबे समय से राजस्थान में रही है और कई जगह मांग वाजिब भी नजर आ रही है। कुछ जगह ऐसी है जहां वास्तव में जिला बनाने की जरूरत है। अब चूंकि जैसे आपने कहा कि इस कार्यकाल का आखिरी बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करना जा रहे हैं, तो इसी के मद्देनजर आज कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर मुलाकात की और अपने क्षेत्र की विभिन्न मांगों की जो फहरिस्त है वो मुख्यमंत्री को सौंपी। साथ ही नए जिले बनाने को लेकर भी चर्चा की, जिनमें जो मंत्री है राजेंद्र यादव, उन्होंने चूंकि कोटपुतली को लेकर लगातार वो मुद्दा बनाए हुए हैं और उन्होंने एक बार, आपको ध्यान होगा कि ये चेतावनी भी दी थी कि अगर नया जिला नहीं बनता है तो वो पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न मुद्दों पर इन पर चर्चा हुई है। भिवाड़ी को भी जिला बनाने की मांग हुई है, साथ में महादेव खंडेला है, उन्होंने ये कहा कि कोई जिला बनता है तो उनके विधानसभा क्षेत्र को नए जिले में शामिल नहीं किया जाए, वो सीकर जिले में रहना चाहते हैं। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन ये फैसला खुद मुख्यमंत्री को ही करना है कि नए जिलों की सौगात देनी है और देनी है तो कब देनी है। और इस बात की उम्मीद ज्यादातर लोगों को है कि इस बजट में जो है मुख्यमंत्री नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं, खासकर जो कोटपुतली है, बालोतरा है, ब्यावर है, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लंबे समय से मांग रही है। तो हर विधायक ने अपने अपने तरीके से समझाया, क्षेत्र का पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री के सामने रखा कि किस तरह से हेडक्वार्टर से कितना दूर है और नया जिला बनने पर किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है, उससे क्या फायदा हो सकता है। इस बीच हालांकि ये बात आई कि कांग्रेस ने कभी जिले नहीं बनाए हैं, तो ऐसे में तमाम जो विधायक और मंत्री थे जो मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि जो काम नहीं किया वो इस बार कर दीजिए और जो नए जिले हैं उनके बनाने की घोषणा करिए, ये सौगात दीजिए ताकि जो बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था है हो सके। तो अब जो उम्मीद है, नरेश, क्या इसके जिला बनाने के साथ कहीं ये भी सुगबुगाहट है कि संभागीय मुख्यालय भी बढ़ा दिए जाएं? अभी 7 संभाग हैं, इनकी संख्या को भी जिलों के साथ बढ़ा दिया जाए? इस बात की चर्चा है विजेंद्र, जिसमें सीकर का नाम भी आ रहा है और एक जो चित्तौड़गढ़ की का भी नाम लगातार आ रहा है, लेकिन इनके जो जनप्रतिनिधि है वो कितने पुरजोर तरीके से बजट पेश करने से पहले यहाँ मुख्यमंत्री के सामने ये बात रख पाते हैं, दबाव बना पाते हैं, ये देखना होगा। हालांकि इस बात की चर्चा है कि अगर नए जिले बनते हैं तो नए संभाग भी बनाने की घोषणा की जा सकती है। नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।